Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhin astafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka ya Rabb, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya Rabbal alamin. Aaj yakeenan aapne surah Yusuf ki tilawat suni hogi. Aisa hi hai, surah Yusuf suni aapne? ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं, कि कुछ भी नहीं पता चला? सूरह यूसुफ सुनी आपने इंशाल्लाह। कारी साहब मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो सूरह यूसुफ इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सूरत है। जब मैं थोड़ा बहुत कुरान मजीद के साथ मेरा लगाव हुआ, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना कुरान मजीद के, जो टीचर्स होते हैं वो बड़ा इम्फोसिस करते हैं अरबिक ग्रामर के हवाले से भी इस सूरत को। इसको ना आप ये समझें कि एक सब्जेक्ट होता है कि इसमें ग्रामेटिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सीखना है, तो इस सूरत को जो है ना वो लाजिम पकड़ते हैं, इस सूरत से वो सीखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि क्या आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे मुश्किल साल कौन सा था अपनी ज़िंदगी में? क्या ग़ज़वा ओहद थी, यानी ग़ज़वा ओहद का दिन था? क्या ग़ज़वा बदर का दिन था? कौन सा दिन था जो सबसे ज़्यादा भारी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? ताइफ का, माशाल्लाह। हज़रत आयशा पूछती हैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप ये बताएं कि आपके लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? तो अमूमन एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिज़िकली बहुत ज़्यादा ज़रर पहुंचा था। यहाँ तक कि आपने जो शील्ड पहनी हुई थी ग़ज़वा के दौरान, कुफार आए, एक काफिर आया, उसने जब अपना एक वो कहते हैं ना कि अपनी सोर्ड का जो बट है वो जब लगाया ना मारा, तो वो आपकी जो शील्ड है वो आपके जो जॉ है ना इसके अंदर चली गई और अंदर जाके ना फंस गई। सहाबा इकराम ने उसको निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। अब जाहिर ही बात है ऐसा तो नहीं है कि एनेस्थीजिया दिया होगा और बड़ा आराम से फिर वो चीज़ ठीक हो गई, नहीं। जब उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई ना, तो उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जो है ना वो शहीद हो गए थे और इतना खून बहा, इतना खून जो है निकला था कि इवेंचुअली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अनकॉशियस हो गए और वो जो है ना ज़मीन पर गिर गए। और ये आप ये समझ लें कि पता ही चल गया, यानी एक अफवाह ये फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं, वो फोत हो गए हैं। तो कुफार जो है बड़ी खुशियाँ मनाने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ग़ज़वा ओहद में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी डेड बॉडीज़ तो नहीं कहनी चाहिए, वो शहीद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह ताला के राह में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें इल्म नहीं है। तो जब सहाबा इकराम की आप ये कह लें कि जब उनको उन्होंने देखा, तो क्या उनको कैसी फीलिंग्स होंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हज़रत हमज़ा उनके जो वो चचा भी हैं लेकिन उम्र सेम है, बड़े महबूब थे, उनकी बॉडी है और पूरा जो है चाक किया गया है और उनके लिम्स जो हैं, कान और नाक सारे कटे हुए हैं। इट वाज वेरी हार्ड फॉर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि ओहद का दिन बहुत जो है मुश्किल था हमारे नबी के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताया कि मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन वो ताइफ का था। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं ताइफ में क्या कुछ हुआ होगा। ताइफ में पता क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी दावत का जो एक टेन्योर चल रहा था ना, जब से आपने शुरू किया था, लोगों ने आपको झुटलाना शुरू कर दिया, जो वहाँ पे रिश्तेदारियाँ थी सारे लोग बट गए, एक ही फैमिली में एक
जो है एक बंदा मुसलमान है और एक काफर है और दूसरे को जो है वो झगड़ रहे हैं, लोगों ने लान तान किया, बुरे अलकाब दिए, गालियां दी, साहिर कहा, कज़ाब कहा, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे सादिक अमीन, और कत्ल करने की कोशिश की। अब मामलात यहाँ तक आ चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए कि अब जो है इनको यानी कॉन्स्पायरेसी होने लग गई कि हमने मोहब्बत को जो है ना कत्ल कर देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी चीज़ को सोचते हुए वो जो है मक्का से निकल गया कि अब मेरा यहाँ पर रहना ना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ताइफ यानी ताइफ की तरफ निकले तो वहाँ पर आपको पता है क्या मामला हुआ हमारे नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने भी जुटलाया, बुरा भला कहा, और वहाँ के जो यंगस्टर्स थे, जो वहाँ के ग़ुलाम थे, उनको पीछे लगा दिया और पत्थर मारे और क्या हाल किया। तो वो एक आपका आप समझ लें कि ब्रेक इवन पॉइंट था। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, नरेशन हमें बताती हैं। तो आप मुझे बताएं उस टाइम पे जो अल्लाह ताला रहनुमाई करने के लिए सूरत नाजिल करेंगे वो इम्पोर्टेंट होगी कि नहीं होगी? ना, अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ उस मौके पे नाजिल की। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो कि जब बंदा गमगीन हो ना, सैड हो, सूरह यूसुफ की तिलावत करे। एक सच्चा वाक्य बताता हूँ आपको। एक शेख थे, अरबिक कंट्री की बात कर रहा हूँ, मिस्र में गालिबन, पॉलिटिकल प्रिजनर थे वो। गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने जो है ना कुछ ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको जो है ना उन्होंने जो है वो उनको कैद कर लिया। तो उनको मौका ये दिया जाता था कि आपने ना महीने में एक दफ़ा अपने बच्चों से मिलना है, अपनी फैमिली से मिलना है। तो वो जेल से निकल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आते थे, होते थे जेल के अंदर ही, तो वहाँ पर अपने बच्चों से मिलते थे और वो भी एक घंटा मिलता था उनको। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ये भी बंद कर दिया कि आपको अब बच्चों से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वो स्कॉलर फिर भी महीने में जो वक्त हुआ करता था ना वो एक घंटे का, उधर जाते थे लेकिन वहाँ पर जाके सूरह यूसुफ की तिलावत करके आते थे वापस। है क्या इस सूरत में हमारे लिए और आपके लिए, क्या यानी सबक क्या है? शुरू करते हैं इंशाल्लाह, टाइम कम है और आई डोंट नो हमारे पास आधा घंटा होता है। तो ये है कि जितना हम कंप्लीट कर सकेंगे इंशाल्लाह हम आज कर लेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम आगे देखेंगे। मेरी एक्चुअली आदत ये है कि आई डोंट वांट टू रश थिंग्स, कि मैं जल्दी जल्दी जो है आगे अगर चलता रहूँगा तो फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे मिस हो जाएँ तो फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता कि हमने ना फिर हक अदा नहीं किया। तो हक तो वैसे भी हम जो है अदा नहीं कर सकते, हम नालायक स्टूडेंट्स हैं। तो जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया आई वॉन्ट टू कन्वे द सेम टू यू गाइज एज वेल। सूरह शुरू होती है अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं, निशानियां हैं किताब की मुबीन, जो वाज़े निशानियां हैं ये जो आयात हैं। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन, हमने इस कुरान को नाजिल किया है अरबी ज़ुबान में। क्यों? लअल्लकुम तअक़िलून, ताकि तुम अकल करो, ताकि तुम इसको समझो। नहनु नकुसु अलैका अहसनल कसस, बहुत ज़बरदस्त आयत है। हम आपको नकुसु अलैका, हम आपको बताते हैं, वाक्या सुनाते हैं। और ये वाक्या क्या है? कसस कहते हैं स्टोरी को। अहसनल कसस, द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि उर्दू में हम कहते हैं ना, अरबिक में वैसे बेसिकली कहते हैं कबीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा। इसकी जो हायर डिग्री है ना उसको कहते हैं अकबर। बात समझ रहे हैं? अकबर यानी उससे ज़्यादा बड़ा। सगीर कहते हैं हम छोटा, उसकी और इंटेंसिव डिग्री क्या होती है? असगर, उससे भी ज़्यादा छोटा। हसन कहते हैं बहुत अच्छा। अहसन का मतलब क्या होगा? सबसे अच्छा। तो अहसन अल कसस, द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज। चले मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बेहतरीन स्टोरी है, वो बात सच्ची हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और हमारा हाल क्या है कि हमें अल्लाह माफ़ करे, जब यू नो बैक इन द जे डेज जब किसी मूवी देखने जाते थे ना कोई मूवी, तो अगर पता चले ना कि
कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू यू नो ट्रू इवेंट्स या ट्रू स्टोरी, तो और शौक और बढ़ जाता था। तो यहां पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट स्टोरी, दिस इज द बेस्ट स्टोरी यू कैन हेयर। अहसन अलकसस बिमा अवहैना इलैका हादल कुरान, जो हमने वही की आपकी तरफ इस कुरान में। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिन अलगाफिलीन, और आप इससे पहले गाफिल थे या नबी, आपको पता नहीं था। हुआ क्या, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीह या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि या अबती, ए अब्बा जान, बड़ा प्यारा अंदाज है अपने वालिद को पुकारने का, बुलाने का। वल्लाही बात लंबी होती जाएगी, सिर्फ ये जो लफ्ज़ है ना या अबती, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के साथ क्या कनेक्शन था। और अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। आप अगर मेरे साथ हम कलाम होते हैं ना, 5 मिनट अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे, मुझे आपका पता चल जाएगा, आपका मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने कैलिबर का आदमी हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैलिबर का हमें बता रहे हैं, द वे ही एड्रेस्ड हिज फादर, या अबती, ए अब्बा जान, कितना प्यारा अंदाज है। आज हम ये चीज़ें भूल चुके हैं, हमारे ही माँ बाप, और ख़ासकर आमिनो आम एड्रेसिंग द यंगस्टर्स, हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ते हैं हम अपने बाप के पैसों से पढ़ते हैं, अपने अब्बा जान के पैसों से पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ ही जाते हैं जब हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, कि नहीं यार, हमारी ज़ुबानों से ही निकल होता कि हमारे अब्बा जान को नहीं पता, उनको नहीं पता कि ये ज़माना क्या चल रहा है, ये मॉडर्न ज़माना, ये पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त हमारी ज़ुबानों से या अबती निकल सकता है, अगर हमारी हमारी थॉट ही ऐसी हो, या अबती, ए अब्बा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन, मैंने देखा कि 11 सितारे हैं, दे आर 11 स्टार्स, व शम्स वल कमर, सूरज है, चांद है, रअयतुहुम ली साजिदीन, और मैं देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अच्छा, यकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, बसीरत रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही इज़ द नोबलेस्ट पर्सन। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हैं? नबी, इब्न नबी, इब्न नबी, इब्न नबी। क्या मतलब? यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके फादर ही इज़ आल्सो अ नबी, याकूब अलैहिस्सलाम, उनके फादर कौन थे बताइएगा? इसहाक अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम के फादर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी, इब्न नबी, इब्न नबी, इब्न नबी। क्या फैमिली होगी ये, सुभान अल्लाह, क्या घराना होगा। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें, अपने बच्चे को एड्रेस करने का, अपने बेटे को, काला या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे दिल के टुकड़े। अब देखे ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन, के वी एज पेरेंट्स, मैं भी यानी खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव किड्स, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपनी अटमोस्ट एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ अपने बच्चों को गाइड करने में, अगर मैं ये समझ जाता हूँ कि नहीं, मैं अपने बच्चे को फलां स्कूल में डाल दूंगा, लेट्स से जो भी बड़े बड़े आपकी एलीट क्लास स्कूल्स हैं, ठीक है, बीकन है, रूट्स है, फ्रोबल्स है, एक्स वाई जेड, जो भी स्कूल्स हैं, मैंने अपना जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी, बस मेरी और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपने बच्चे को 8-10 घंटे कहाँ भेजते हैं, यू हैव नो क्लू अबाउट इट, और वो क्या वहाँ पे पढ़ता है। और आप मुझे बताएं, जितने भी यहाँ पे बंदे बैठे हैं, जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, क्या हमारे स्कूल्स में ये बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं? नहीं। तो एथिकल वैल्यूज हम बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? और होता ये है कि द टाइम पासिस ऑन, बच्चा पढ़ ली के 8th क्लास पे भी गुजर गया है, ओ लेवल्स भी कर लिए हैं, ए लेवल्स भी कर लिए हैं, और फिर जब बच्चा खड़ा होता है ना, कि अब फिर वो क्या कहते हैं, डिस्को बच्चे बन जाते हैं,
और फिर वो जो है उल्टी सीधी जब हरकतें करते हैं और फिर जो है ना हमारे कान तब खड़े होते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले वी एज पेरेंट्स वी हैव टू लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन। क्या कहते हैं, या बुनैया है मेरे बच्चे, ला तक्सुस रुयाक अला इख्वतिक, देखो ये जो तुम्हारा ख्वाब है ना अपने भाइयों से जिक्र मत करना, फयकीदु लका कैदा, तो फिर वो कोई चाल चल देंगे तुम्हारे खिलाफ। इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, कहते हैं यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बात क्या चल रही थी, कहाँ पे एंड हो रही है? बात तो ख्वाब की चल रही थी, भाइयों की चल रही थी, सुभान अल्लाह। यहाँ पे देखें लेसन्स ही लेसन्स है। एक तो ख़ास कर जो भी यंगस्टर्स हैं ना, मैं आप लोगों को नसीहत ही करना चाहूँगा, सजेस्ट ही करना चाहूँगा, वेन एवर यू हैव एनी थिंग इन योर माइंड्स, आपके दिल में कभी भी कोई ज़ुबान कह रहा हूँ, आपके माइंड में कोई भी आपको खटका आता है, कोई क्वेश्चन आता है, रादर देन गोइंग टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से उस चीज़ का पता करें, या जाके अकेले जाके इंटरनेट पे google.com डाल के उसको जो है आप सर्च करें, नहीं। गो टू योर पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स फर्स्ट, क्योंकि आपको आपके माँ बाप से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि माँ बाप को अपनी औलाद के लिए कोई लालच नहीं होती। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सही नसीहत करते हैं, बशर्ते कि वो इस्लाम के खिलाफ ना हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब उनको ख्वाब आए उन्होंने जाके अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ डिस्कस नहीं किया कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, अपने वालिद के पास गए हैं। तो सिमिलरली अब बॉन्डिंग चेक करें, एक बाप और बेटे के दरमियान में कितनी बॉन्डिंग है। तो बाप ने भी ये नहीं कह दिया कि ओ ये तुमने क्या ख्वाब देख लिया है, ये तुम रात को खाना तुमने ज़्यादा खा लिया होगा, अब ये तो ऐसी बस हलूसिनेशंस हैं, छोड़ो छोड़ो कोई वो बात नहीं है। और आगे नसीहत क्या करते हैं कि ठीक है तुम्हारे भाई अगर हसद करते हैं ना तुम्हारे साथ, लेकिन ये मत भूलना कि ये सारी जो चाल है ना शैतान की होगी। अपने भाइयों से दुश्मनी मत करना। कौन है तुम्हारा दुश्मन? इन शैतान लिल इंसानी अदुव मुबीन, ये शैतान है जो दुश्मनियां डालता है आपस में। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारी किसी से बातचीत नहीं बन रही होती, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे वो माँ बाप का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है, दोस्त दोस्त का रिलेशन है, अगर किसी के अंदर कोई खामी है, व्हाट वी डू इज हम उस खामी को उस बंदे के ऊपर पेस्ट कर देते हैं कि अच्छा यार ये बंदा है ही ऐसा। उसमें होता क्या है, फिर हम उस बंदे को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ देख रहे होते हैं, उस बंदे की खामी को बुरा समझें, उस बंदे को बुरा मत समझें। अगर वो खामी उस बंदे से निकल जाएगी तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। अगर आपका माइंडसेट ये होगा ना, तो आप जब भी उस बंदे से मिलेंगे ना, खैर ख्वाही करते हुए मिलेंगे, उसको समझाएंगे कि ऐ मेरे भाई ये चीज़ गलत है, झूठ बोलना गलत है, गीबत करना गलत है, ऐसा है कि नहीं। तो ये एटीट्यूड अगर हमारे मुआशरे में आ जाए, सोसाइटी में आ जाए, तो कितनी भलाई ही भलाई हो जाए। इन शैतान लिल इंसानी अदुव मुबीन, फिर आगे मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। फिर वो कहते हैं कि वकदालिक यजतबीक रब्बुक, कि अल्लाह ताला आपको जो है आपको चुन लेंगे, और आपको जो युअल्लिमुका मिन तअवील अहादीस, और आपको ख्वाबों की ताबीर सिखाएंगे। और फिर आगे जो है चलते हैं, लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़वती आयातुल लिसाइलीन, और फिर उनके भाइयों का जिक्र आता है, इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं, उन्होंने जो है अब वो उम्र में भी बड़े थे, ठीक है, जवान थे, दे हैड पावर, और अब ये कह लें कि जवानी थी। तो कहते हैं कि आपस में जब मिले, कहते हैं कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, वो ज़्यादा महबूब हैं हमारे वालिद को, हमारे फादर को, हमसे ज़्यादा। व नहनु उस्बा, और हम क्या हैं, हम तो ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे अंदर ज़्यादा ताकत है। इन अबाना लफ़ी ضلال مبين, यकीनन हमारे अबा जान जो है ना वो खुली गुमराही में है। अच्छा, फिर वो क्या आइडिया लेके आते हैं, आपस में बैठे हुए हैं, मशवरा कर रहे हैं, कहते हैं उक्तुलू यूसुफ, ऐसा करो यूसुफ को कत्ल कर दो। अब इतरहूहु अर्दन यखलू लकुम वजहु अबीकुम, फिर
ऐसा करो कि या तो उसको जो है आप कत्ल ही कर दो, और या तो उसको जो है ना अपने शहर से, अपनी बस्ती से निकाल दो। फिर होगा क्या, आप देखें क्या कहते हैं। कहते हैं कि वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद जो है ना ये गुनाह करके तुम शरीफ बन जाना, तो वह इस्तग़फ़ार कर लेना। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। قال قائل منهم, उनमें से एक भाई ने कहा, لا تقتلوا يوسف, ऐसा करो यूसुफ को कत्ल मत करो। وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين, ऐसा करो उसको किसी कुएं में डाल दो, कुएं में फेंक दो, तुम्हारा काम है उसके उससे छुटकारा पाना। तो जब आप कुएं में फेंक दोगे तो कोई ना कोई काफिला जब आएगा उसको ले के कहीं ना कहीं ले जाएगा। अगर तुमने करना ही है तो ऐसे करो। अच्छा, प्लान बन गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने जो है कुएं में फेंकना है। क़ालू या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, के ए अबा जान, कि क्या मामला है कि आप हम पे ट्रस्ट करते ही नहीं हैं यूसुफ के मामले में, हम पे ट्रस्ट तो करें। व इन्ना लहू लनासिहून, और अब देखें किस अंदाज में कह रहे हैं, यकीनन हम उसके बड़े खैर ख्वाह हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो ये बड़ी एक्सप्लेनेशन जो है मांगती है, यानी क्या वो किस तरीके से वो गए होंगे। अरसिल हुमाना गदन यरता वयलअब व इन्ना लहू लहाफिज़ून, आप हमारे साथ उसको भेज दें, हम शिकार पे जा रहे हैं, खेल कूद करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा इंजॉय करेगा, और हम यकीनन उसके मुहाफिज होंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون, مجھے ڈر ہے, خوف ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں اور تم اپنے جو ہے شکار میں بزی ہو جاؤ تو پیچھے سے وہ جو بھیڑیا ہے, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو, وہ یوسف کو کھا نہ لے۔ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون, اے بجان اگر بھیڑیے نے اس کو کھا لیا یوسف کو اور ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم طاقتور ہیں, تو پھر تو ہم بڑا خسارے پانے والے میں سے ہو جائیں گے, پھر تو ہماری طاقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آفٹر آل اب 10 بھائی ہیں, ابا جان بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, تو وہ منوائی لیتے ہیں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا, لے کے چلے جاتے ہیں, یعنی منا لیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو, لے کے جا رہے ہیں۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے وحی کی کہ تم لازماً ان کو اس امر کا, اس جو یہ جو کر رہے ہیں نا, ان کو لازماً بتاؤ گے ایک دن۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو اس وقت پتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ کر کے وہ آتے ہیں, وجاءوا اباهم عشاء يبكون, جھوٹی موٹی جو ہے نا, وہ جھوٹی جھوٹی رو کے جو ہے شام کو آتے ہیں۔ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب, کہ ہم تو بھاگ رہے تھے اور جو ہے ہم لوگ اپنے کام کاج میں بیزی تھے, تو یوسف کو ہم نے اپنے جو سامان تھا ادھر چھوڑ دیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو, تو ہوا کہ عجیب بھیڑیے نے کھا لیا اس کو۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اور آپ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پہ بالکل بھی جو ہے یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, چاہے ہم جتنے سچے ہوں۔ اور پھر وہ جو ہے وہ قمیص بھی لے آئے, ٹھیک ہے, وہ جھوٹ کا خون بھی اس پہ لگا لیے کہ دیکھیں یہ اس کی قمیص ہے اور دیکھو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں, قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, کہ یہ تمہاری کوئی چال ہے, ایسا ہوا نہیں ہے, دیر از سم تھنگ فشی۔ پھر کرتے کیا ہیں, فصبر جمیل, کوئی چارہ نہیں ہے, صبر کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں, واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر مددگار ہیں, علی ما تصفون, جو بھی تم جو ہے باتیں بنا رہے ہو۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک قافلہ آ جاتا ہے, اور قافلے والے جب وہ اپنا جو ڈول جو ہے نیچے ڈالتے ہیں کنویں میں پانی لینے کے لیے, تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے ہیں, تو ساتھ میں جب وہ اوپر ڈول آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قال یا بشرا هذا غلام, یہ تو یعنی جیک پوٹ لگ گیا ہے کہ یہ کیا جو ہے ایک لڑکا آ گیا ہے۔ جیک پوٹ ان اے سینس کہ وہ زمانہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو بیچا, یعنی بیچ دیا جاتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فری کا ایک فار ایگزامپل غلام ہے, کموڈیٹی ہے, اس کو ہم بیچیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے۔
तो उसको वह असर रूहू बिदा, तो उसको एक कमोडिटी समझा कि अब हम इसको बेचेंगे, इनको बेचेंगे। वल्लाहु अलीम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला जानते थे वो जो कर रहे थे। वशरौहू बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, और उनको बहुत थोड़े दाम में उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेच दिया। वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, और ना ही उनको इतनी परवाह थी कि क्या इनकी वैल्यू है, बस एज इट इज़ जो है उनको सेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। मुझे ये बताएं, इमेजिन करें, अभी हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो फैमिली है, यानी सारे अंबिया हैं, इन फैमिली मेंबर से हम क्या गुमान कर सकते हैं कि ये गुनाह का काम करते होंगे, मासीयत करते होंगे? नहीं सोच सकते थे ना। तो आप मुझे ये बताएं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट ही इज़ अ यंग बॉय, आज अगर पता चल जाए ना कि कुछ भाइयों ने एक यंग लड़के को, बच्चे को कत्ल की साजिश करते हुए जो है एक दूर दराज जगह में ले गए और वहाँ पे फेंका और कत्ल करने की कोशिश की, ये हेडलाइंस बन जाएंगी और सारे लोग जो है लान तान करेंगे, यार कितने इनको सजा दो, इसने इन्होंने बहुत बुरा किया, इन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ किया वगैरह वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी, याकूब अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी, अल्लाह ताला ने आजमाया कि नहीं आजमाया ना। अब आप, मैं और आप, हम लोग अपने आप को जरा इस पिक्चर में फिट करें, हम लोग कितने गुनाहगार हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी जिंदगियों में, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम लोग चिल्ला उठते हैं और कहते क्या हैं कि या अल्लाह हम ही मिले हैं। चाहे हम जुबानों से ना ये लफ्ज अदा कर रहे हों, लेकिन हमारा जो रवैया होता है ना, वो ये जाहिर कर रहा होता है, क्या मेरे साथ, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूं, मुझे फिर ये बीमारी क्यों लगी है, मेरा कारोबार ठीक क्यों नहीं चल रहा है, मैं क्यों अपने एग्जाम्स में फेल हो रहा हूं, नमाजें भी पढ़ रहा हूं, अच्छे काम भी कर रहा हूं, व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू मी। सवालात हमारे जहनों में आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए सबक है, ये जो हम वाकया सुन रहे हैं ना, इसमें हमारे लिए जो है आप ये कह लें कि आयात हैं, निशानियां हैं, ताकि हम सीखें। और इमेजिन करें, याकूब अलैहिस्सलाम, एक बाप के लिए माँ बाप को पता हो ना कि उनका लख्त जिगर इस दुनिया से चला गया, फोत हो गया, उनको कुछ अरसे बाद ना सुकून आ जाता है, लेकिन अगर उनको पता चल जाए ना कि किसी ने अगवा कर लिया है, सारी जिंदगी वो गम नहीं जाता, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये दिस टेस्ट इज मच मोर हार्डर देन दैट। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जो काफले वाले हैं ले आते हैं, मिस्र में ले आते हैं, इजिप्ट में ले आते हैं। वकाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रातिही अक्रिमी मस्वा असा यन्फअना औ नत्तखिदहु वलदा, तो जो शख्स खरीदता है ना, उसका नाम अज़ीज़ आया है, अज़ीज़ इन अ सेंस के मिनिस्टर, अज़ीज़ जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है, तो वो कोई मिनिस्टर था इजिप्ट में, तो वो अपनी बीवी से कहता है, जब वो ख़रीद के ले आता है, कहता है कि अक्रिमी मसवाहू, यानी इसका ख्याल रखो, असा अन्फ़ाना कि हो सकता है कि ये हमें फ़ायदा दे दे लड़का, औ नत्तखिदहु वलदा, या हम इसको अपना बेटा ही बना लेंगे। वकदालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ध वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमक्कुन अता किया, फिल अर्दी ज़मीन पे, वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम उनको ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन सिखाएं। अच्छा, आगे आया था, उसका मैं बाद में ट्रांसलेशन करूँगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इमेजिन करें, अपने आप को इस पिक्चर में रखें, योर यंग बॉय, और आपकी अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही है, योर फादर लव्स यू, और आपको जो है खा पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको आप ही के भाई एक कुएं में डालते दे देते हैं दूर दराज कहीं जाके, यहाँ तक कि आप जगह भी भूल जाते हैं कि मेरा वापस जाने का रास्ता क्या है, और अभी आप इस सोच में ही हैं, कुएं में हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर से डोल आता है, What is the first thought that would come in your mind? आप expect करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुसीबत आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो resolve हो जाएगी। तो क्या ऐसा ही हुआ?
अब जब उनको जब वो डोल के साथ जब वो ऊपर आए होंगे, प्रॉब्लम अपॉन प्रॉब्लम, आजमाइश के ऊपर आजमाइश, और हम वो लोग हैं कि हम छोटी सी आजमाइश जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ पे आप देखें अल्लाह ताला अपने अंबिया को कितना आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों में सबसे ज़्यादा जिनकी आजमाइश होती है ना वो अंबिया इकराम हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद करने होते हैं। अच्छा, पहले ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, अब क्या हैं? अब वो ग़ुलाम हैं, उनकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। और आपको पता है ग़ुलाम को सर्वेंट के साथ मैच मत करें। सर्वेंट वो होता है, एम्प्लॉई वो होता है कि जो कंपनी में जाके 8 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, और जब ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है ना तो वो अपने घर को निकल जाता है। आप उसको बार बार बुला नहीं सकते रात को 2 बजे कि आओ काम जो है कुछ पेंडिंग और आके काम करो। अनलाइक स्लेव, ग़ुलाम वो होता है कि 24/7 रात को आप सो भी रहे हैं ना, आपको पानी चाहिए, आप उसको पुकारेंगे, वो उसका कोई जवाब बनता ही नहीं है कि वो आपको ना करे, उसको पानी लेके आना ही आना है, वो आपको ना नहीं कह सकता। और ग़ुलाम वो होता है कि इट्स लाइक योर प्रोडक्ट, वो आपकी चीज़ है, आप चाहे उसको तोड़ दें, उसको मार दें, कत्ल कर दें, आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा कि तूने ये किया क्यों है, ये तेरी प्रोडक्ट है, ये तुम्हारी चीज़ है। तो यही हुआ करता था ना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन, सबके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, अबू बकर भी हैं, और जो है सब देख रहे हैं। गर्मी का, शदीद गर्मी का मौसम है, तपती रेत पे उनको लटाया गया और उनके ऊपर भारी पत्थर रखा गया। ए बिलाल कह दो, साथ में बुत रखे गए, कि कह दो कि ये भी तुम्हारे रब हैं, शिर्क कर लो। अहदुन अहद, अहदुन अहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रोक पाए। फिर वो अबू बकर थे, उन्होंने कहा था कि मैं ये ख़रीदता हूँ ग़ुलाम तुमसे, उमैया से कहा। तो ये सिचुएशन को ज़रा समझें। अच्छा, अब वो ग़ुलाम है, क्या ज़िंदगी थी, क्या ज़िंदगी बन गई? अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ग़ालिब हैं अपने कामों पर, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। क्या मैच बन रहा है इस आयत का? अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि सब कुछ नेगेटिविटी में जा रहा है, और ये अल्लाह ताला का जो नाम है ना ग़ालिब, ये अल्लाह ताला ने एक दफ़ा यूज़ किया और वो इस सूरत में यूज़ किया है। अल्लाह ताला ग़ालिब हैं कि ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, दुनिया तो छोटी बात है, पूरी कायनात में ऐसा कोई अमल हो रहा हो कि जिसकी अल्लाह ताला को ख़बर नहीं है। अल्लाह ताला ग़ालिब हैं, अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। और एक बहुत ज़बरदस्त आयत, आई डोंट नो हमने जब सूरह अल-अनआम पढ़े थे वो पढ़ी थी कि नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइंदहु मफातिहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, कि अल्लाह ताला जो कुछ, अब देखें बर कहते हैं ड्राई लैंड, ठीक है, और बहर कहते हैं एनीथिंग एवरीथिंग विच इज़ अंडर वाटर, यानी समुंदर जितने भी ओशंस हैं। नाउ अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ टेलिंग अस जो कुछ पानी से ऊपर है, ड्राई लैंड में है, मैं उसको भी जानता हूँ, और जो पानी के अंदर है मैं उसको भी जानता हूँ। कोई जगह है जो बच जाती है? कोई जगह नहीं है। और फिर अल्लाह ताला मज़ीद समझाने के लिए हमें कहते हैं वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि कोई ऐसा पत्ता नहीं है पूरी कायनात में जो झड़ता है मगर ये कि अल्लाह ताला को उसके बारे में पता ना हो। और अहादीस बताती हैं अल्लाह ताला को ये भी पता है कि पत्ता जब झड़ के नीचे गिर रहा होता है ना, जमीन पे किस साइड पे गिरा है। अल्लाहु अकबर। और मजीद नरेशन बताती हैं कोई ऐसा दरख्त नहीं है मगर अल्लाह ताला ने उसके साथ एक फरिश्ता जो है कायम किया हुआ है कि उसकी हर हर हरकत को नोट कर रहा होता है। हैविंग सेड दैट, हम बच जाएंगे, हमारे जो आमाल हैं जो प्राइवेसी में हम करते हैं, क्या हमको अल्लाह ताला नहीं जानता?
क्या हमें खौफ नहीं आता? क्या फिर हम समझते नहीं हैं? क्या हमें पता नहीं है वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह ताला गालिब हैं अपने काम पे। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए आयत है, लेकिन अक्सरियत इंसानों की जो है ना वो जानती नहीं है। बड़ा लाइट लेते हैं हम लोग और हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं अल्लाह ताला को पता ही नहीं है। वलम्मा बलग अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बुलूगत को पहुँचे, अपनी टीन एज को पहुँचे, वकदा हुक्मन व इल्मन, हमने उनको हिकमत और इल्म जो है अता किया, वकदालिक नजज़िल मुहसिनीन। बहुत ज़बरदस्त आयत है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको विजडम भी दी और इल्म भी दिया। हिकमत और इल्म बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इल्म होता है लेकिन उस इल्म को कैसे यूटिलाइज करना है उनको वो पता नहीं होता, हिकमत नहीं होती, ऐसे ही है। और कई ऐसे लोग होते हैं कि बड़े हकीम होते हैं, बहुत हकीम होते हैं, लेकिन इल्म में जो है कमी होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कंप्लीट पैकेज दे दिया, उनको हिकमत भी दी और इल्म भी दिया। और हमारे लिए ग्लैड टाइडिंग्स क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, वकदालिक नजज़िल मुहसिनीन, अगर तुम भी मुहसिनीन बनते हो ना एहसान करने वालों में से, तो हम उनको भी जजा ऐसे ही देंगे, तुम्हें भी जजा ऐसे ही देंगे। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर यू। तो आगे इंशाल्लाह वो अज़ीज़ और जो है उसकी वाइफ का वो जिक्र है, इंशाल्लाह वो बात लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम।